राजस्थान में एक धारणा है कि एक योजना कांग्रेस और एक योजना भाजपा की सरकार। मैं ये कह सकती हूँ कि महंगाई राहत कैंप के जरिए हमने मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना दुर्घटना बीमा को पहुंचाया है, बिजली फ्री स्कीम है उसको पहुंचाया है, अन्नपूर्णा योजना है किसानों के लिए बिजली फ्री है, तो बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिनको हम जनता के बीच में लेकर आगे के लिए बहुत कुछ करेगी, हमारे लिए युवा पीढ़ी के लिए करेगी, हमारे लिए करेगी, बहुत कुछ काम करेगी सरकार। हमारी उम्मीद है सरपंच से अलग पार्टी का हो गया, दूसरी पार्टी का, इसी वजह से हमने चोरी की बातें नहीं सिखाई हमारे युवाओं के लिए, हमने शिक्षा के संस्थान खड़े किए हैं, ये जाके आप लोग बताओगे। हम हमारे बच्चों को चोरी की शिक्षा ना देकर हम हमारे बच्चों को शिक्षा दाना चाहते हैं कि आपके हाथ में कॉपी और कलम होनी चाहिए और कलम की ताकत क्या होती है वो आने वाले भविष्य में आपके साथ खड़ी हो, ये शिक्षा देना चाहते हैं। और वोटर के पास जाओगे तो वो निश्चित तौर पर इसका विचार करें। मैम कैसा लगा आज आप धनोठी बड़ी में आकर के कार्यकर्ता सम्मेलन जो था एक विशाल रैली का रूप ले चुके हैं, इसके बारे में जानना। देखिए हमने जनता के बीच में रहकर जनता के काम किए हैं, उनके सुख दुख में हम हमेशा शामिल रहे हैं और लंबे वर्षों से विधानसभा क्षेत्र शादलपुर जो है विकास की बाट जोता था, थाने तहसील की राजनीति से वो दुखी हो चुके थे और वो चाहते थे कि हमारे शादलपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास हो। विकास की राजनीति को आज यहाँ की जनता सम्मान दे रही है और तब एक आम सम्मान्य कार्यकर्ता सम्मेलन को एक बड़ा रूप आप देख सकते हैं। देखने में है कि सारे जो लोग है वो संतुष्ट जाहिर कर रहे हैं, कहीं संतुष्ट है, लेकिन राजस्थान में एक धारणा है कि एक योजना कांग्रेस और एक योजना भाजपा की सरकार, तो इस धारणा कितना के विश्वास करते हैं? देखिए राजस्थान सरकार हर जन तक पहुंची है, हर घर तक पहुंची है। मैं ये कह सकती हूँ कि महंगाई राहत कैंप के जरिए हमने मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना को पहुंचाया है, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा को पहुंचाया है, बिजली फ्री स्कीम है उसको पहुंचाया है, अन्नपूर्णा योजना है किसानों के लिए बिजली फ्री है, तो बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिनको हम जनता के बीच में लेकर आए। और दूसरी तरफ से ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है राजस्थान के अंदर 200 के 200 में जहाँ पर विकास के कार्य ना हुए हों, इतने शानदार कार्य हुए, इसीलिए हम कह सकते हैं कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो ये थी हमारे साथ कृष्णा पुनिया जी जो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने विचार दिए और इन्होंने कहा है कि हमारी जो सरकार है वो विकास करने विश्वास रखती है और किस प्रकार से विकास की जो नदियां हैं जो हमारी सरकार के भाई हैं और इस तरह से आगे भी विश्वास होता रहेगा। तो ये कौन सा गाँव? मेरा गाँव दुमकी है। दुमकी है। आज कृष्णा पुनिया जी का जो इतना विशाल प्रोग्राम हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहूंगा? भाई इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, पानी की व्यवस्था की, सड़कों की करी, पढ़ाई की करी, खेल की करी, बहुत ईमानदार कर्मठ नेता है, तो मैं तो बचपन से ही कांग्रेस का वोट देता हूँ तो और आगे भी दूंगा। आपको लगता है कि इनकी विद्वारा कांग्रेस की विधायक कृष्णा पुनिया जी बनेगी? हाँ मेरे को लगता है, ये उनको टिकट लेने का अधिकार नहीं है, टिकट और को फेंकते हैं बीजेपी वाले, तो ये कर्मठ नेता है तो आगे जीत के भी जाएंगे, मेरा विश्वास है, मैं विश्वास रखता हूँ और प्रजा इनको वोट देगी, काम के वोट देगी। अशोक गहलोत ने बहुत काम किए, पेंशन भी जोड़ी है और खाद्य सुरक्षा भी जोड़ी है और भी काम जोड़े हैं और बीमारियों के बारे में 25 लाख तक के मतलब इलाज भी फ्री किए, बहुत सब कुछ किया है। दोबारा गहलोत जी आएंगे राजस्थान के अंदर। सरकार से आगे क्या उम्मीद करते हो आप? सरकार आगे के लिए बहुत कुछ करेगी, हमारे लिए युवा पीढ़ी के लिए करेगी, हमारे लिए करेगी, बहुत कुछ काम करेगी सरकार, हमारी उम्मीदें हैं। और नहर भी पानी की व्यवस्था करेगी, हम भूखमरी नहीं रहेगी हमारे पास। धन्यवाद जी। आज का जो ये कार्यक्रम था मतलब एक विशाल रैली से रूप ले रखा था, इसके बारे में क्या कुछ विचार होगी? इतना विशाल कार्यक्रम किस प्रकार कर पाए? बहुत बढ़िया भैया। तो कितने के संतुष्ट हो आप मतलब विधायक की जो कार्यशैली? हम तो 100% है। आपको लगता है कहीं ना कहीं विधायक जी दोबारा मतलब मोर्चा पकड़ लेंगे? कन्फर्म है मोर्चा के मामले में। एक धारणा भी है जी राजस्थान में भाई एक योजना कांग्रेस सरकार पुरानी बात ठीक है, यानी कहीं ना कहीं दोबारा फिर कांग्रेस सरकार आने वाली। कहने तो किमी कह दे लोग सरकार आएगी कहने आज का बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, काम पर सब संतुष्ट हैं, अच्छी अच्छे वोट जीतेगी कृष्णा कांग्रेस और की कुछ है ये कहना कि आप तो मारी है ट्राई सब जगह। बिल्कुल आप देखो हमारे काम में तो पहला रिकॉर्ड है कृष्णा को। हाँ पहला रिकॉर्ड है कृष्णा, भले 200 भले 300 400 बीजेपी भाजपी में बहुजन बाजू सारा मिलके एक लड़ दो तो बैक हो जाएगा।
कहीं ना कहीं भी जो आत्मविश्वास है वो गाँव के लोगों का मतलब देखने योग्य है। कहना है भाई अगर सारे मिलके भी अगर एक हो जाए तो भी कृष्णा पुनिया की जो कहने की भारी जीत जो है वो यहाँ से आते करने जा रही है। तो कुछ लोग और भी यहाँ पर मौजूद आप देख रहे हैं, ऐसे मतलब रैली समाप्त हुई आप देख सकते हो, अलग अलग झुंड बना करके जो गाँव के आस पास गोंड के लोग है जो मतलब अब चर्चा कर रहे हैं। तो आप इनसे बात करें। हाँ जी एक मिनट, आपका नाम बता दो, कोई बात नहीं। नाम अनिल है। आज का कार्यक्रम के बारे में बताओ कुछ। बहुत बढ़िया कार्यक्रम है लगता वो कहीं ना कहीं कृष्णा जी यहाँ से भारी का बहुत काम किया है, दिल से लोग साथ में काफी मेहनत करके काम किए। राजगढ़ तहसील में 70 साल में वैसे काम नहीं हुए। आपको लगता है कहीं ना कहीं काम के बलबूते पे दोबारा काम के बलबूते पर आ रहे हैं लोग, काम का टाइम है, खेती बाड़ी छोड़ छोड़ कर ऐसे थोड़े आ रहे हैं। कृष्णा कोई और नहीं कर सकता कोई भी। हाँ मतलब जीत पक्की है। पक्की है, जमा जमा पक्की, जमा पक्की। हाँ कोई कच्ची नाम नहीं है। और वो कृष्णा वर्गा विधायक नहीं मिलना, तुतकारा गिरने वाले विधायक है, काम करे है, बहुत बढ़िया काम करे है। मारे तो मान ले तो 40 साल उम्र वोट दिया, तीन योजना तो मैं तीन योजना तो इंद्र ने बनाई थी, योजित वोट गिर आनंद लाल ने बनाई थी दो योजना, पर कृष्णा वर्ग विधायक नहीं। हाँ विधायक नहीं, छुटकारा गिरने वाले विधायक है। क्या नाम बताओ जी? मेरा नाम है राजेंद्र सिंह पुनिया दानोट छोटी। आपको लगता है भाई जो कृष्णा पुनिया जी विधायक है वो दोबारा भी सत्ता में आ जाएंगे? देखिए लोगों का विचार यही है, क्योंकि काम काम के अनुसार यही आएगी, और कोई नेता से ले आओ या काम नहीं होगा। लोगों को इससे 40 साल पीछे नहीं जाना है, आगे बढ़ना, इसलिए ये कांग्रेस आएगी। गांव कौन सा? दानोटी छोटी है। दानोटी बड़ी में आए देखते कि गलियों में वो बहुत मतलब ऐसा मतलब हालात थी गलियों की, मतलब गलियां पक्की नहीं थी, तो कहां लगता है विकास कहां हुआ? विकास ये है कि सरपंच से अलग पार्टी का हो गया, दूसरी पार्टी का, इसी वजह से काम रुका हुआ है। इनका कहना है भी सरपंच जो था वो अलग पार्टी का था, इसलिए कहीं ना कहीं विकास नहीं हो पाया। तो ये गांव के लोग विचार थे, ताऊ जी आप बोलिए थे क्या? बताऊंगी दोनों पार्टी मिलके जब वोट लड़े नहीं सारी इकट्ठे कर तो भी कृष्णा फालतू मतलब कृष्णा जीतेगी। अब कृष्णा जीतेगी सारा तीनों एक हो जाए तो जीतेगी। पांच साल के माँ इतना काम कर तो उसके नहीं, और पांच क्यों मानो? एक तो और एक धक्का झूठो रोड़ो गाल दियो, एक तो कोरोना रो एक और कोरोना रोड़ो गाल दियो, और बिन पीएम भी देखो थाना आ गए राम सिंह कसमो राजेंद्र राठौड़ी के गए राजेंद्र राठौड़ को, और राम सिंह कसमो दो फुट हो गया राम सिंह कसमो राजा को दो फुट हो गया। अरे मैं कुल सिद्ध हो रहा है दो छह महीना पहला तो वो एक सियाई बाप लो दुनिया में कौन मार तो दुख भी बात को जब तो गरीब बिछाया चलो ताजा गुड़ बटवाड़े राम सिंह कसवा राजेंद्र राठौड़ मनोज नागरी बैठा भरा बैठा कद हो गया गुट आएगा गुट भाईड़ा आपका काम नहीं बड़े जद हो गुट गाट को कोई पसवाड़ को नहीं अपन तो 70 साल की राजनीति में पहला भी कोई भरो नेतो मिलो वो मेरे याद को नहीं, लेकिन अब आपने एक ऐसी नेता आई है जब राजगढ़ तहसील की तस्वीर बदल दी है आने वाला 25 तारीख ने, और छोरिया बैठी ने बुआ छोरिया बुढ़िया ये तो सगड़ी जो है वोट गेरोगा सागर गीत गांधी और ले जाने लगे आज के निशान वाला बटन दबाओ जय हिंद जय मेन कृष्ण का।